Let me. Assalamualaikum. Hello everyone. Thank you so much for being here with us. What I want you all. आज हम सेंट जॉन स्कूल में आए हैं, ठीक है? आपने अपने स्कूल को प्रेजेंट करना है. अच्छा, कोई जानता है आप कहाँ से हैं? आपका कम्युनिटी एजुकेशन मेट्रो स्टार्ट से हमारा ताल्लुक है. आज हम टेक्नो भी 3.0 का राउंड मैच नंबर 2 करने जा रहे हैं जो आपके स्कूल में हो रहा है. आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यू हैव टू बी वेरी साइलेंट, वेरी क्वाइट. ओके, आप लोग जितना अच्छा बिहेव करेंगे उतना अच्छा प्रोग्राम हम यहाँ कर पाएंगे. ऑलराइट, सब साथ देंगे हमारा? yeah! एक बार ऐसे करके बताएं कैसे मतलब. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Silence please. All right, team A, introduce yourself. कौन कौन हमारे साथ टीम A में? माइक रिकॉर्ड करना. ओके, कंदील. हसन मेहदी. ओके, हसन मेहदी. इज्तिमा. अच्छा भाई, आपको क्या लगता है, आपकी ए है, ग्रीन बजर आपके पास है, आज का मैच कौन जीतेगा? आप ही जीतेंगे, ठीक है भाई? मुझे लगता है इंशाल्लाह मुश्तबा साहब कहते हैं जीतेंगे. हिदायतुल्लाह, आनिया, गुले जहरा. आपको क्या लगता है, आप ही जीतेंगे? हमेशा की तरह. वेरी गुड, सर. विनर बैठे यहाँ पर. आयशा, आयशा जी. ओके आयशा. मुजम्मिल हुसैन. मुर्तुजा. और आपको लगता है आप जीतेंगे? तो जब कोई हारेगा ही नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कौन जीता? ऑलराइट, आपकी तरफ चल रहे. आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, टीम ए, टीम बी? टीम बी. ऑलराइट, जो मैं पाने वाले आपके स्कूल के लिए कवर क्लैप फॉर योर स्कूल. थैंक यू सो मच. ऑलराइट एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्विज नाउ. मैं आपकी इजाजत से प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा हूँ. प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा. सब ने गौर से सुनना है, स्पेशली टीम्स ने बहुत गौर से सुनना है. हमारे साथ जजेस में आज मौजूद हैं आपके स्कूल से सर स्मिथ. क्लैपिंग करें सर के लिए. मेट्रो स्टार गेट के सेंटर मैनेजर सर ताहिर अजीज बैठे हैं, सर के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए. ऑलराइट, इन टेक्नो बी या पी नौत का एक बेहतरीन क्विज कॉम्पिटिशन है. इसमें लास्ट ईयर 2.0, उससे पहले हमने 2016 में 1.0 टेक्नो भी किया था. लास्ट ईयर हमने 9 स्कूल्स के इसमें पार्टिसिपेट करवाया था, जिसमें से फाइनलिस्ट 9 टीमों ने हमारे यहाँ एमटेक मेट्रो स्टार गेट में फाइनल को खेला हमारे वेन्यू पर. और हमने एमटेक मेट्रो स्टार गेट की तरफ से तकरीबन 2.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप लास्ट ईयर ऑफर की. इस बार टेक्नो बी 3.0 में 30 स्कूल्स पार्ट ले रहे हैं, जिनमें से आपका भी एक स्कूल सिलेक्टेड है. इन 30 स्कूल्स में से 30 टीम जाएंगी हमारे फाइनल वेन्यू में. और वहां पर विनिंग टीम के लिए जो कैश प्राइज है वो 10,000 होगा, रनर अप टीम के लिए कैश प्राइज 5,000 होगा, और इसके अलावा विनर टीम के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी अपने की तरफ से. प्लस जितने भी पार्टिसिपेंट इस पूरा प्रोग्राम में इसको इस हिस्सा ले रहे हैं, सबके लिए एपटेक की तरफ से सर्टिफिकेट भी है. और नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट जो लोग वहां बैठे हैं वो भी यहाँ आए, ठीक है? आप लोग भी टीम का पार्ट बने. इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोग्राम इन जस्ट 2 मिनट्स. मैं कुछ राउंड एक्सप्लेन कर देता हूँ. वी हैव 3 राउंड्स. हमारे पास राउंड 1 है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. आप तीनों टीमों से अलग अलग 10-10 सवाल किए जाएंगे, ठीक है? आपसे पहले टीम से 10 सवाल किए जाएंगे. क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा. स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी या डी. ओके, 30 सेकंड का टाइमर है. आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर तहमुल के साथ मशवरा करके जवाब देना है. आपका जवाब बड़ा प्रॉपर होना चाहिए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी. ओके, आपने वर्ड नहीं कहना जो वर्ड लिखा होगा, फॉर सपोज पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहना अगला ऑप्शन ए. ओके, करेक्ट आंसर पर हमारे जजेस आपको राउंड भर में 10 मार्क्स देंगे. इनकरेक्ट आंसर पर कोई नेगेटिव मार्किंग
नहीं है आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, राउंड वन समझ आ गया। टीम ए से 10 सवाल, फिर टीम बी से 10 सवाल और फिर टीम सी से 10 सवाल। अच्छा, आपकी सपोर्ट के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ भी दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी समझ रहे होंगे तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राउंड वन हमारा खत्म होगा, हम स्कोर्स बताएंगे। राउंड टू शुरू होता है बजर। क्वेश्चन फ्लैश होगा स्क्रीन पर, 10 सवाल है इस बार, लेकिन तीनों टीमों से टोटल 10 क्वेश्चन है। आप सबके पास चांस होगा कि आप क्वेश्चन देखें और बजर प्रेस करें। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आएगा, जैसे ही बजर प्रेस हुआ क्वेश्चन वहां से हटा लिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नजर आया, किसी ने भी बजर प्रेस किया, आपने क्वेश्चन देख के बजर प्रेस कर दिया, क्वेश्चन लाइक कर दिया जाएगा स्क्रीन से। अब आपने जवाब देना होगा, लेकिन मैं जवाब जब पूछूंगा कि जी टीम ए या जी टीम जिसने भी बजर प्रेस किया होगा उसी से सवाल किया जाएगा। ओके, और किसने बजर प्रेस किया है इसका फैसला हमारे जजिस का है। आपने नहीं कहना कि मैंने दबाया और मैंने दबाया, ठीक है। तो इस तरह से 10 सवाल होंगे, करेक्ट आंसर देने पर जिस टीम ने बजर दबाया जजिस ने कहा भी नेक्स्ट टीम सी, तो टीम सी ने बजर दबाया, हमने पूछा सवाल का जवाब सही दे दिया 10 पॉइंट्स, गलत जवाब दिया माइनस पॉइंट्स -5। ओके, अच्छा फर्ज कर लें कि भाई मैंने बजर दबाया और मैंने गलत जवाब दे दिया, ठीक है, तो मेरे -5 हो गए। अब बाकी दो टीम्स के पास ऑप्शन है कि वो बजर दबाएं और उसी सवाल को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लें। अगर अगली टीम ने भी सही जवाब दिया तो +5, अगर अगली टीम ने भी गलत जवाब दे दिया तो उनके भी -5, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, बजर राउंड हो गया। लास्ट राउंड जो हमारा रैपिड फायर राउंड है उसमें 1 मिनट तक तीनों टीमों से अलग अलग, पहले टीम ए से, फिर टीम बी से और फिर टीम सी से अलग अलग 1 मिनट तक मुस्तकिल सवाल होंगे, वर्बल क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपने आंसर देते जाना। ओके, तमाम क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में बूलियन, आपने कहना है ट्रू फॉल्स। अगर आपने ट्रू कहा और वो सही है तो मैं कहूंगा करेक्ट, फॉल्स कहा वो सही है तो मैं कहूंगा करेक्ट, वरना इनकरेक्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन पास भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ऑलराइट, शुरू करें जी, टेक्नोमी 3.0 शुरू करें, एक बार जोरदार क्लैपिंग किया तो प्लीज से। ऑलराइट, आप लोग ओके ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, अच्छा आप लोग तालियां बजा, इस तरह बजा रहे हैं वो शॉट खेलते हैं ना, जब तक बॉल जारी होती है तब तक तालियां बजती रहती है, ठीक है, तो क्रिकेट मैच चल रहा है। ओके, नो इशू, जजेस से मैं इजाजत दूंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं, मैंने अपना मोबाइल साइलेंट किया है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास मोबाइल है उसको साइलेंट कर लें ताकि गेम में डिस्टर्बेंस ना हो, और हमारे प्यारे बच्चे जो बैठे हैं आप लोग खामोशी इख्तियार कीजिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बोल पड़े आपकी फेवरेट टीम हार जाए उसकी वजह से। ओके ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर राउंड वन, राउंड वन 14। एक मिनट रुकिए भाई। Alright, टीम ए आपने जवाब देना है प्रॉपर ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 टीम ए के लिए है, आपको ये स्क्रीन क्लियर है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टीम ए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Cortana is a Microsoft intelligent personal assistant to the user of PC running Windows 10, Windows Phone and Dash. Xbox. Option B. Option B, correct answer. Okay. Question number 2 for team A. What is the name of visual menu under the home tab? Option A. Option A, style. Show him. Correct answer. Okay. Question number 3 for team A. When you insert a picture or shape, word dash offers you allow user to format your picture too. Option B. Option B, word automatically offers, not manually. It's a correct answer. Very good. Alright, question number 4. User can use mail merge to send email messages, party invitation, and other such documents that have the dash. Functionality. Functionality is not an option. It is
इनकरेक्ट। मैंने कहा तो क्वेश्चन तो बड़े, यू हैव 30 सेकंड्स बेटा, टेक योर टाइम, ओके, कोई जल्दी नहीं है, छुट्टी में बहुत टाइम है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, मुश्तबा मुश्तबा करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 514A। In PowerPoint, one can view or apply to any comment including other reviews using the dash. Option B. Option B, comments pane. Are you sure? सही आंसर है आपका. Very good. Okay, the question number 614A. The prominent feature of Windows 10 are. Option C. Option C, both of the above. Correct answer, भाई जबरदस्त। ये पता भी है Windows 10 के बारे में या वैसे ही पता है? चलो ठीक है, एक और सवाल होगा इसके बाद। Question number 7. Which displays the save as dialog box in Word? Option C. Option C, F12. ठीक है। करेक्ट आंसर, बहुत जबरदस्त। आवामी सवाल है ना, आवामी सवाल सबको पता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8। वेयर कैन द यूजर टाइप एंड इट इंसर्ट और फॉर्मेट अ स्टोरी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, स्टोरी लाइन। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टीम ए। Basic function of OneDrive is to provide a dash for all the files in folder. Option B. Option B. Option B. Correct answer. पक्की बात है सर? Correct answer. बहुत जबरदस्त। ये हमारे जो representative हैं सर, वही उनसे कोई setting तो नहीं थी? पहले तो question नहीं। Alright. I was not expecting इतना अच्छा खेलेंगे. Very good. Question number 10. आखिरी question team A के लिए. Skype for Business is an instant dash application that allows users to talk to each other. Not distance, आप लोग उनको बता दो। 6, 5, 4, 3. Option C. Option C. तो कब आ रहे हैं? करेक्ट आंसर, वही जबरदस्त। दिस वाज राउंड 114A एंड वेरी वेल प्लेड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। माइक पास कर दीजिए टीम बी को। ऑलराइट जी, अब जरा बताएं ऑडियंस, मजा आ रहा है? वेरी गुड। ऑलराइट, टीम बी रेडी है? टीम बी में भी एक परफेक्ट बैठी है बीच में, टीम ए भी परफेक्ट थी, टीम सी वालों का सेशन है। अच्छा, मतलब परफेक्ट नहीं है, विनर है ऐसे है, है? बॉयज निकम में होते हैं ना, परफेक्ट नहीं बनाते बॉयज। ऑलराइट, टीम बी रेडी है? आपसे भी इसी तरह से 10 सवाल होंगे। अच्छा, जब टीम बी से सवाल हो रहे हो तो आप लोग डिस्कस ना करें, क्योंकि नुकसान क्या होता है, आप खुद ही बता देते हो उनको जवाब। ओके, टीम बी रेडी? क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेल एडिन एक्सटेंशन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, XLAM, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, फीचर ऑफ मार्क्स ऑफ एक्सेल यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज दैट यूजर इंटर्स इन द सेल? ऑप्शन डी। ऑप्शन ई तो है ही नहीं, डी 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 मींस डेटा वैलिडेशन, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, टेम्पलेट आर द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट आर ऑलरेडी हैव फॉन्ट एंड डैश इंक्लूडिंग सो द यूजर डज नॉट हैव टू वर्क। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग स्टाइल, करेक्ट आंसर, वेल डन, वेरी गुड। ये बाटा का एरिया है, तुम्हें वर्ड के जवाब आपने देने। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, मेल मर्ज इज यूज्ड, मेल मर्ज डैश इज यूज व्हेन द कंटेंट ऑफ एन ईमेल और लेटर रिमेंस द सेम? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी फॉर बाबा,
ऑलराइट, क्या इनका जवाब सही है? कंप्यूटर महाशय, इनका जवाब ठीक है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टीम बी, एक्सेल कैन हेल्प टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट, एनालाइज, डैश, अपडेट एंड रिप्रेजेंट द डेटा। मुश्किल सवाल। ए, ऑप्शन ए, एक्चुअली इट इज इन करेक्ट, एनालाइज तो पहले से लिखा हुआ था। टेक योर टाइम बेटा, पहली हल्दी हुई टीम बी से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द DIF फॉर्मेट ऑफ एक्सेल स्टैंड्स फॉर? ए, ए, यस, अभी गलत हुआ था ये? नहीं, ये 100% सही, करेक्ट आंसर भैया, ठीक है, वेरी गुड। ऑलराइट, सवाल नंबर 7, इन पावर टेबल कॉलम नेम इज व्हाट? ऑप्शन ए, फिर से करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक था ना, मैं बगैर कंप्यूटर से पूछ ही बता दूं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, अ थीम इज अ डैश कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी बी प्री डिफाइंड, जी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टीम बी, व्हेन अ यूजर वांट्स टू मेक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग, इंसर्ट पिक्चर, फोटोज इन डैश। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लिप आर्ट, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आखिरी सवाल है आपके लिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पेजेस कैन बी एडिट वन नोटबुक? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी एज मेनी एज यू वांट, करेक्ट आंसर है, वेल डन टीम बी, वेल प्लेड। ऑलराइट, हम टीम सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टीम सी, रेडी है ना भाई? Yes. Which option is powerful feature maps of Word that allow user to create Word document? Option A. Option? A. Option A, mail merge. Correct answer, very good. अरे टीम सी से कोई मोहब्बत नहीं है, खासियत नहीं, हल्की हल्की तालियां, जोर से तालियां बजाओ। Alright. Team C, question number 2 for you. Which tab should be used to insert a picture? ये तो मुझे दिया जी, ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टीम सी, सेव अ वर्कबुक एज अ कॉमन डेलीमिटेड टेक्स्ट फाइल फॉर यूज ऑन अनदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इंश्योर्स द टैब कैरेक्टर्स लाइन ब्रेक इज व्हाट? Option A, XLAM, it is incorrect. कोई बात नहीं, कैच नहीं छूटा है। All right, question number 4, take your time, very good बेटा। Question number 4, default self format क्या होता है Excel? Self Excel में नहीं, computer वाला Excel। Yes. ऑप्शन बी, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एमएस एक्सेल फाइल इज इनक्रिप्टेड, ओनली डैश यूजर हैव एक्सेस टू द इनक्रिप्टेड फाइल। कम ऑन टीम सी, बी, ऑप्शन बी ऑथराइज, तुक्का मारा है ना, पता है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्सेल डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डैश स्क्रीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडलिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इंस्पेक्टिंग, यस सर, यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अरे मुझे याद नहीं था एक्चुअली ना। Alright, we have question number 7 for Team C. If Excel to convert these sets into numbers. Option C. Option C, text to column. Correct answer. Very good. ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं।
पता है, पता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टीम सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग? स्पेल चेक के लिए ऑप्शन बी F7। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टीम सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ग्रुप इंक्लूड्स द नंबर लिस्ट? मैं स्टेज को बुलाऊंगा जिसने जवाब दिया। ऑप्शन सी, स्टाइल। जी सर, अनफॉर्चुनेटली इट्स एन इनकरेक्ट आंसर। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी। विंडोज 10 सक्सेडेड वन ऑफ दीज। सी ऑप्शन सी, इट इज इनकरेक्ट। कोई बात नहीं, दिस वॉज द एंड ऑफ राउंड वन। प्लीज क्लैप कर दिया हमारी तीनों टीमों के लिए, बहुत अच्छा खेला है। एक्चुअली टीम ABC अच्छा खेला तीनों टीम्स ने, बट टीम सी जो है वो थोड़ा सा जल्दी कर गई थोड़ा सा। और कोई बात नहीं, हम स्कोर्स बताए थे। टीम सी ने राउंड वन में स्कोर किया है 60 पॉइंट कैबिन गिडियन के लिए। थैंक यू। टीम बी ने स्कोर किया 90 पॉइंट्स, वेरी गुड। और टीम ए ने स्कोर किया 90 पॉइंट्स, वेरी गुड। और जी राउंड वन काफी अच्छा रहा, टीम ए ने अच्छा, टीम बी ने भी अच्छा खेला, टीम सी कोई बात नहीं, सिर्फ 3 सवाल पीछे आप। अब है राउंड 2 जिसका नाम है बजर राउंड। बजर राउंड गेम चेंजर होता है, गेम बदला जा सकता है बजर राउंड में। ओके, अच्छा माइक लेने की जरूरत अब नहीं है, बजर चेक कर लेते हैं जरा, आपको बजर प्रेस कीजिए क्लिक करके, ठीक है। ऑलराइट, बजर राउंड जिस तरह मैंने बताया, क्वेश्चन फ्लैश होगा, आप बजर दबाएंगे क्वेश्चन गायब हो जाएगा, ठीक है। हमें कंफर्म करेंगे जजेस किसने बजर दबाया, फिर हम सवाल पूछेंगे। ओके, मैं सवाल पढ़ूंगा नहीं। अच्छा, प्लस हम बजर चेक कर लेते हैं, जजेस आपकी मुझे जरूरत होगी यहाँ पर, कि बजर किसने पहले दबाया। मैं कहूंगा 1, 2, 3 पे आपने बजर दबाया। ओके, 1, 2, 3, बहुत ही लेट हो गई, घंटी नहीं बनाई तुमने कभी रमजान में। एक बार फिर ट्राई करते हैं, 1, 2, 3, आई थिंक टीम सी। ओके, वन मोर ट्राई, 1, 2, 3, टीम बी चेक करो भाई बज रहा है नहीं। ओके बेटा, बजर्स प्रेस करना जरूरी है, ठीक है, और पढ़कर, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ना पढ़े बजर दबा दें तो -5 पक्के हैं फिर, ठीक है भाई। जीत ऑडियंस, शुरू करें राउंड 2। ऑलराइट, हमारे पास कुछ कॉमेडी है, कॉमेडियंस भी बैठे पीछे, वी विल हैव यू हियर इंशाल्लाह। ऑल राइट सर, शैल वी स्टार्ट? ओके, राउंड 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस टीम बी, ऑप्शन ऑप्शन सी सुपर स्क्रिप्ट, करेक्ट आंसर, जबरदस्त। ऑलराइट, रेडी टीम्स, बेटा एक्टिव रहना इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगेन टीम बी, यस ऑप्शन ए व्यू, इनकरेक्ट। यस टीम सी, दोबारा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, वेल डन। ऑलराइट, क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखाया जाएगा, आपने बजर प्रेस किया, 5 सेकंड के अंदर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, और जल्दबाजी भी नहीं करनी, -5 करानी है तुम लोगों ने और ये +5 कर गए, वेरी गुड। ऑलराइट जी, रेडी है सब लोग क्वेश्चन 3 के लिए? अभी भी है 9-8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाइट चली गई, यस टीम ए,
ऑप्शन ए इनकरेक्ट. यस टीम सी आप क्वेश्चन लेंगे. यस ऑप्शन सी ऑल्सो इनकरेक्ट. जो कमाया था वो कमा दिया. दोनों टीम्स को माइनस 5 पॉइंट. ऑलराइट देखा कैसा जबरदस्त गेम है. ऑलराइट जी अभी भी हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं तामुल के साथ. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. यस टीम सी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. वेल डन शाबाश. ओके जी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. अगेन टीम सी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. वेरी गुड भाई शाबाश. टीम सी ने जो है अब वो नाल खींच ली घोड़े की. ऑलराइट रेडी हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. यस यस टीम सी ऑप्शन बी डी एंड डी इनकरेक्ट. ओके क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा. ऑलराइट रेडी है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. ट्वेंटी सेकेंड्स. बहुत आसान है. यस टीम सी हेड विकेट होने का शौक है. इनकरेक्ट. ऑलराइट वेल मैं ये सवाल एक मिनट रुकिए मैं ये सवाल पब्लिक से कर लूं. जी व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 5. ऑप्शन ए ऑप्शन डी लड़कों को पता है. वेरी गुड भाई लड़का. इट वॉज पीपीटीएक्स. ऑलराइट जी टीम्स हमारे पर 3 सवाल और हैं. ठीक है आपने पहले चौका मारा उसके बाद हेड विकेट हो गए. ठीक है नाउ यू अगेन हैव टू मेक सम रन्स. और टीम ए बजर दबाना जरा चल रहा है ना. कम ऑन बजर दबाना बेटा. ऑलराइट जी क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. यस टीम ए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. वेरी गुड शाबाश बेटा. दो क्वेश्चंस हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर राउंड बी. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. टीम बी ऑप्शन ए इंसर्ट करेक्ट आंसर. टीम बी ऑलराइट. आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. टीम सी टाइम अप. कोई और लेगा. ऑप्शन सी बोला इनकरेक्ट. यस टीम बी इनकरेक्ट. तुमने ही माइनस 5 कराने. ऑलराइट जी लास्ट क्वेश्चन. हमारी टीम सी और टीम बी दोनों ने माइनस 5 रन्स स्कोर किए. नहीं नहीं आपको तो कर दिया ही ना क्वेश्चन. आप बच गए इसका पार्ट नहीं थे आप. ऑलराइट जी दिस वाज द एंड ऑफ राउंड 2. क्लैपिंग कीजिए भाई टीम्स के लिए. बजर राउंड की तैयारी नहीं थी या क्वेश्चन मुश्किल थे. नो ये सवाल उससे ज्यादा आसान थे. एक्चुअली ये क्वेश्चंस पहले राउंड से आसान थे बट एक्चुअली ये होता है आप बहुत नर्वस हो जाते हैं प्रेशर लेते. अब प्रेशर नहीं लेना. ओके सही मैं देखूंगा कि अगर स्कोर्स बताने वाले हैं तो मैं जरूर बताऊंगा वरना फिर हम उसको कभी कभी ये भी करते हैं कि स्कोर हम नहीं बताते ताकि सरप्राइज रहे कि कौन जीतेगा. टीम सी को लग रहा होगा उनके बहुत बुरे हालात हैं. ऐसे ही नाउ बिलीव मी रैपिड फायर राउंड में मैंने एक टीम को 140 स्कोर करते भी देखा क्योंकि मैं ट्रू फॉल्स पूछता चले जाता हूँ. इट्स ऑन योर स्पीड.
हमारे टेक्नो बी में जो एवरेज क्वेश्चंस हुए हैं अब तक वो हुए हैं 12 एक मिनट में, 12 से 13, और जो हाईएस्ट क्वेश्चन अब तक एक मिनट में हुए हैं वो हुए हैं 17, 17 सवाल भी एक मिनट में हो सकते हैं। ओके, तो इट्स अप टू यू, अगर आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा सही खेलने का। ओ माय गॉड, अच्छा भी राउंड टू जो कि बजर राउंड था, इसमें टीम ए ने स्कोर किए 5 पॉइंट, टीम सी ने भी स्कोर किए 5 ही पॉइंट, और टीम बी ने कितने स्कोर किए होंगे? 10 पॉइंट्स किए। वेरी गुड, आज के पब्लिक में बड़ी है, इलेक्शन लड़वाने इनको जीत जाएंगे। और आई जी, अब मेरे पास कुछ खुफिया चीज है ना, आई हैव दैट एनवेलप ऑफ एपिक मेट्रो स्टारगेट, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सर, याद पकड़ेंगे। अच्छा, ये सर टीपू आपके पास लाएंगे, तीनों एनवेलप, ठीक है, पहले टीम ए के पास, फिर टीम बी और फिर टीम सी के पास बच जाएगा। जो एनवेलप आप चूज करेंगे उसी से आपसे जवाब पूछे जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ो शाबाश, ये फाल निकाल रहे हैं टीपू साहब। और जी रख लो, खोलना नहीं है, चीटिंग कराएंगे। और अभी टीम ए बी सी, ये क्वेश्चन आपकी मर्जी के हैं, ये इधर ले आओ भाई, ठीक है। टाइमर चेक कर लीजिएगा सर। ओके, आपकी स्क्रीन पर जैसे राउंड थ्री टीम ए के लिए है, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, ये टाइमर आ रहा होगा अभी पर, जैसे ये टाइमर होगा मैं सवाल कर रहा हूँगा, जैसे ही टाइमर अब होगा आप मुझे बताएंगे टाइमर, ठीक है, एक बार प्ले कर लें। ओके बैक, और जी टीम ए रेडी हम लोग, मैं हैव दैट, ओके मुझे वो एनवेलप भी दे दीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। All right. जी तो आप लोग जरा एक मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, बहुत अच्छा गेम चल रहा है, ठीक है, अगर किसी ने कुछ कहना है तो भी कह दे, वो कह रहे सर क्या कह रहे हैं। All right. टीमें तैयार हैं, प्रोग्राम समझ आ गया क्या करने वाले हो? मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने कह रहे हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके, मतलब ये मत करना ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स जो सही होगा, मैं कहूंगा करेक्ट तो प्लस 10, और इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, जान छूटी। ऑलराइट जी, तो तैयार है? ओके जी, क्वेश्चन थोड़े से हम शफल कर लेते हैं। जी तो टीम ए आपका टाइम शुरू होता है अब। कंट्रोल एम की इज यूज्ड टू इंसर्ट हैपनिंग इन एमएसएक्सेल। इनकरेक्ट, डॉक्यूमेंट कैन बी सेव यूजिंग F5 की। करेक्ट, F9 की इज यूज्ड टू प्रेस चेक स्पेलिंग। F9, करेक्ट, F3 की इज यूज्ड टू एडिट एमएसएक्सेल। करेक्ट, एमएसएक्सेल इज बेस्ड ऑन डोज। करेक्ट, टेक्स्ट फ्रैक्शन करेंसी ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ फॉर्मेट ऑप्शन। करेक्ट, पेज लेआउट डिफाइन्स द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। इनकरेक्ट, सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इक्वेशन इन द डॉक्यूमेंट। करेक्ट, पार्टी इनविटेशन एग्जांपल ऑफ मेल मर्ज। करेक्ट, मार्कअप पेन अपीयर्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। इनकरेक्ट, track changes is used to review the document. Correct answer, very good bhai, but actually it consumes a lot of time, aapne kafi zyada time ispe lagaya, khair it's okay, jo aapne correct answer diye hain wo ye rakhe hue hain mere paas, hamare judges bhi note kar rahe hain. All right ji, team b ki taraf chale. Yes team b, taiyar hain? कोई ऑफर है?
अच्छा भाई, टीम बी को जिताने के लिए कुछ करना है या खुद ही जाएंगे? ये सीआर वगैरह है क्लास के, है असाइनमेंट मिल जाता है, अटेंडेंस लग जाती है, वाला मसला तो नहीं है यूनिवर्सिटी वाला? ऑलराइट जी, ओके, टीम बी रेडी है तो गुस्से में क्यों? ठीक है, सीरियस हो और सर रेडी आप लोग जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट इज कॉल्ड वैल्यू। इनकरेक्ट। फाइल टैब रिप्लेस द ऑफिस बटन इन एमएस ऑफिस 2013। इनकरेक्ट। एक्सेल वर्कबुक एक्सटेंशन इज XLSB। करेक्ट। विंडोज 10 हैज बीन लॉन्च इन 2010। इनकरेक्ट। F1 की इज यूज टू हेल्प इन एक्सेल। इनकरेक्ट। स्टैटिकली कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द टेबल ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग द एडोब फोटोशॉप। इनकरेक्ट। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक एक्सटेंशन इज XLSB। इनकरेक्ट। ऑरिएंटेशन कमांड हैज टू टाइप्स। करेक्ट। प्रूफिंग इंश्योर्स दैट स्पेलिंग एंड ग्रामर इज करेक्ट। करेक्ट। रेडियो बटन आर द पार्ट ऑफ एमएस वर्ड। इनकरेक्ट। विंडोज 10 हैज सपोर्ट फॉर यूनिवर्सल एप्स। करेक्ट। पावरपॉइंट इज अ कैप्चरिंग टूल। इनकरेक्ट। विंडोज 10 ब्लॉक टू एंटी फैमिली। इनकरेक्ट। कंट्रोल पी इज यूज्ड टू ओपन अ विंडो। करेक्ट। टाइम अप। क्लैपिंग करने वाले के लिए और जी, टीम सी कुछ हौसला हुआ? यस टीम सी, क्या लगता है आपको, चांस बन गया? एक्चुअली व्हाट माय थिंकिंग इज कि शायद चांस बन गया, बट आपको एक फायदा ये है कि आप दोनों राउंड देख कर आते हैं, हमेशा आप देख कर आते हैं कि पिछली टीमें कैसी खेली, तो आप अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हो। और तैयार है? अच्छा जी, ठीक है जी जी जी। टाइमर फॉर टीम सी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिबन इज यूज्ड टू जूम कंट्रोल। करेक्ट। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट। इनकरेक्ट। नेम ऑफ द एक्सटेंशन फाइल इन एमएस वर्ड इज word.exe। इनकरेक्ट। Microsoft Cloud Storage is also known as OneNote. Incorrect. Using the zoom bar, we can set margins and indent of the page. Correct. You can draw a line by dragging your mouse across the screen. Incorrect. Cortana is a Microsoft Intelligent Personal Assistant tool. Incorrect. After an object has been drawn, you cannot resize it. Incorrect. Windows XP has a new web browser called Edge. Correct. Users can comment the text, paragraph and picture using the comment group. Correct. A manual page break is also known as the soft page break. Correct. You can also specify the maximum value of the series. Correct answer. Very good. कुछ अमाउंट आप बहुत बिजी रहते, ये एक्चुअली यू वेस्टेड सम टाइम। आप सोच क्या रहे, पास कर दूंगी समझ आ रहा, बोलो बात। ऑलराइट जी, सो वी आर डन विद आर राउंड 3 एंड आफ्टर राउंड 3 हम देखेंगे कि क्या हमारे पास स्कोर है जी। तो ऑडियंस कैसा लगा? अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन जमा कर दूं। बहुत बुरा, ओके जी, क्या है आप अपने लिए एक बार जोरदार करने में मिला दे। आई एम वेरी मच हैप्पी।
विद द एनवायरनमेंट ऑफ सेंट जॉन्स स्कूल, और बहुत मजा आया आपके साथ। कुछ ही देर में हम रिजल्ट कंपाइल करके रिजल्ट अनाउंस करवाते हैं। आप बताइए कैसा रहना पड़ा। अच्छा, do you want us to come next year? अच्छा, आपकी जो भी टीम यहाँ पे बेटर है वो इंशाल्लाह के वेन्यू पर जो भी इच्छा डिसाइड होगा वहाँ पर फाइनल खेलने आ रही होगी। लेट्स सी कौन जीता। ओके, अल्फाबेट्स नहीं सुन ले। वो एक बड़ा मुझे फनी आ रहा है, किसी ने कहा कि अल्फाबेट्स सुनाओ, किसी बच्चे को कहा कि अल्फाबेट सुनाओ, तो उसने कहा सर छोटी वाली या बड़ी वाली। एक्चुअली तो मैंने पूछा था कि कौन जीतेगा, मैंने ये नहीं कहा था कि ये मतलब काफी सुनने लोग हैं हमारे पास। ऑलराइट सर, आपको देखो थोड़ा सा सबर करना है। ओह माय गॉड। ओके जी, ओके जी, आई वुड लाइक टू कॉल द सेंटर मैनेजर ऑफ एपिक मेट्रो स्टारगेट्स ताहिर अजीज, प्लीज कम हियर एंड अनाउंस द रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, कैसे लगा केक के? मजा आया। अच्छा, सबने बहुत अच्छा खेला, और डेफिनेटली जब कोई कंपटीशन होता है तो किसी एक को विन करना होता है। कंपटीशन पहले राउंड में कुछ और था, दूसरे राउंड में कुछ और हुआ, तीसरे राउंड में फिर कुछ और हो गया, तो मैं वन बाय वन राउंड वन में टीम ए ने स्कोर किया था 90 पॉइंट्स, राउंड वन में टीम बी ने स्कोर किया था 90 पॉइंट्स, राउंड सी में टीम सी ने स्कोर किया था 60 पॉइंट्स, राउंड टू में टीम ए ने स्कोर किए थे 5 पॉइंट्स, टीम बी ने स्कोर किए थे 10 पॉइंट्स, और फिर टीम सी ने स्कोर किए थे 5 पॉइंट्स। राउंड थ्री में टीम ए ने स्कोर किए थे 80 पॉइंट्स, टीम बी ने स्कोर किए थे 50 पॉइंट्स, टीम सी ने स्कोर किए थे 60 पॉइंट्स। तो टीम सी का कलेक्टिव स्कोर हुआ 125, टीम सी का, और टीम बी का स्कोर है 150, और टीम ए का कलेक्टिव स्कोर है 175। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सेंट जॉन में आकर। आप ये जो कंपटीशन है, ये पहला राउंड था, आपकी तीन टीमों में से एक टीम सेलेक्ट हुई है फाइनल राउंड के लिए, और इंशाल्लाह ताला 7 दिसंबर को ये 30 स्कोर से कंपटीशन करेगी, और आप पूरी तैयारी कीजिएगा ताकि आप विन करें और अपने स्कूल के लिए प्राइड बनें। मैं यहाँ एपटेक का इंट्रोडक्शन कर लूँ। एपटेक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन की कोर्सेज करवाए जाते हैं। पाकिस्तान में 46 ब्रांचेज हैं, कराची में 20 ब्रांचेज हैं। ग्लोबल एग्जिस्टेंस इसकी ये कि 5 कॉन्टिनेंट में 40 कंट्रीज में 2500 प्लस ब्रांचेज हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आजकल कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ। आप मेडिकल साइंसेस देख लें, आप कंस्ट्रक्शन को देख लें, आप मीडिया को देख लें, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस को देख लें, हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो इस वक्त हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और अगर टेक्नोलॉजी आप सोचें कि एक दिन भी आप टेक्नोलॉजी के बगैर ज़रा इमेजिन करें तो आप देखें कि चीज़ें क्लैप्स हो जाएंगी। तो अगेन टीम ए को कॉन्ग्रेचुलेशन, और इंशाल्लाह 7 दिसंबर को हम फाइनल राउंड।
Satahir Aziz, the Center Manager of Epic Mendoza Target, will give this present to the students. Clapping for DJ Bhai. Aage beta, second. And the third winner of today's round. I would like to call Sir Smith. कुछ गिफ्ट हैम्पर है जो हम स्कूल के लिए सेंट जॉन स्कूल के लिए सत्ताईस जी के हाथ से दिलवाना चाहेंगे सर को। क्लैपिंग कर दीजिए अभी सर के लिए भी। आपने टाइम दिया सर, आप जज के लिए हमारे साथ प्राइज प्रदान कर रहे थे। एक और गिफ्ट हैम्पर आपके स्कूल के लिए स्पेशली फ्रॉम मेट्रो स्टारगेट। Students, listen to me please. Silence. This was something very wonderful, a very great event which made you very much excited. And I think this is the first time we have such an event in the school. Though it is an educational, but I feel that the students have enjoyed, not only the teams but the participants, the audience, they have enjoyed more. And they have seemed very enthusiastic to participate in such programs. I am thankful to APTEC Institute that they have made such an effort and bring this new technology to the students so that they may be aware of it, what is going on in the world. APTEC has its name, it is an international institute. Yes, so that is something great what they have done, and I welcomed Mr. Moyes first of all, who came over here and he talked with me and I liked his plan. So it was a great encouragement for the students. I am thankful to Mr. Manager Tahir Azim and Afran Yusuf. They both have played their part, especially Afran Yusuf, who was very, very excited about the program and made and brought a life to it. I hope everybody has enjoyed and learned something. Though you were not the participant, but you could listen to the answer and see their spirit and their zeal. Three of the teams. It is not that everyone has to run, but we have to run the race. That is more important. So they participated. I am thankful to Mr. Vakar also, who has prepared the students. He had contact with Mr. Moyes and they made the program. Whatever the facilities we could provide, we have provided. And I am thankful to each and every member of the team who came along and they have done something, a great job today. So once again, please clap for them. Thank you so much, Sir Smith and the management of St. John's School. Thank you so much everyone and goodbye for today.